subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब? So आज की जो मेरी वीडियो है वो है अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप किट के बारे में, ठीक है. So मैं आज आपको प्राइमर से लेके सेटिंग स्प्रे तक, बीच में जो जो चीज़ें भी आती हैं, फाउंडेशन हो गया, सेटिंग लूज पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, ईच एंड एवरीथिंग फुल मेकअप किट के बारे में मैं आपको बताऊंगी. अगर आप न्यू ब्राइड हैं और अफोर्डेबल मेकअप खरीदना चाहती हैं तो ये वीडियो गाइस जो है वो बिल्कुल 110% आपके लिए ही है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो मेकअप प्रोडक्ट्स अंदर से हैं कुछ इस टाइप की, ठीक है. सो वन बाय वन आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्राइमर की बात करें तो ये है किस ब्यूटी का एच डी स्टूडियो फोटोजेनिक प्राइमर परफेक्टिंग शील्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30. इसके इंग्रेडिएंट्स बैक टू मेंशन है और ये आपको मिलेगा 30 ml, ठीक है. तो ये कांच बोतल है, पंप इसका जो है वो काफ़ी मजे का है. आराम से जो है वो दबाने में जो है वो प्रोडक्ट आराम से ये देखे निकल आती है. और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि SPF 30 है. आपकी शादी के बाद अगर आपकी दावत होती है, आपको किसी ने लंच पे बुलाया है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें SPF 30 है. मेकअप के साथ साथ स्किन की जो है वो केयर करना भी जरूरी है और एक ग्लास बोतल है. तो गाइस फाउंडेशन के लिए जो है वो मेरे पास दो ये फाउंडेशन है, एक है क्रिस्टीन ब्रांड का और एक है फैसेट का, ठीक है. दोनों जो है वो मैट फिनिश फाउंडेशन है, ठीक है, क्योंकि गर्मियां हैं. ये मैट फाउंडेशन है और मैट फाउंडेशन ही बेस्ट रहेगा. अगर आप नॉर्मल डे टाइम में जो है वो मेकअप कर रहे हैं तो आप क्रिस्टीन जो है वो यूज़ करें, और अगर आप शाम के टाइम में मेकअप कर रहे हैं, रात के टाइम में डिनर वगैरह के लिए, तो आप ये फैसेट का यूज़ कर सकते हैं. इनका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनकी कवरेज वगैरह सब देख सकते हैं. ये आपको देगा नॉर्मल टू मीडियम कवरेज, जबकि ये आपको देगा मीडियम टू फुल कवरेज का है. अच्छा, 300 to 400 में ये आपको ईच फाउंडेशन मिल जाएगा. 350 या 400 इतनी रेंज में मिल जाएगा. या आप ग्लैमरस फेस का HD फाउंडेशन भी ले सकते हैं, या मिस रोज का जो है वो फाउंडेशन, मिनरल फाउंडेशन भी ले सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त है. इसके अलावा अगर आप हेवी बेस चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला बेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ये बहुत ज़बरदस्त बेस है, इसका अंदाज़ आपको इससे होगा कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है. इसकी कवरेज मैं आपको दिखाऊँ, इतनी ही आप देख सकते हैं मेहंदी लगी हुई है ना, सो ये आप देख सकते हैं ये मेहंदी तक को हाइड कर रहा है. इसकी कवरेज आप इससे अंदाज़ा लगाने से, मैंने ब्राइड्स वगैरह भी बनाई हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है. अगर आपको ये इजीली ग्लोइंग फेस इसका नाम है, ठीक है, अगर आपको ये इजीली नहीं मिल पाता तो इसकी जगह पे आप फेयर एंड लवली का भी जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपका फेयर कलर है तो FS 45, और अगर थोड़ा सा मीडियम गंदुमी सा रंग है तो 38, ये थोड़ा सा डार्क कलर है तो 36 जो है वो कलर आप अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है. ये यहाँ पे मेरे पास सेम इसी पैकेजिंग का और सेम इसी टाइप का जो है ये मैंने नया भी लिया है, इसको मैंने ट्राई करके देखा है, ये भी काफ़ी अच्छा है. इसकी कवरेज भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और ये दोनों वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है. और इसके अलावा ये वाला जो फाउंडेशन है फैसेट का, ये भी स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ है, ठीक है. ये मैच HD परफेक्शन फाउंडेशन है, लाइट बेस्ड, ठीक है, और स्टेमेट, और ये भी वाटर प्रूफ है. आपको 35 ml मिलेगा और इसके अंदर भी SPF 15 आपको मिल रहा है, तो गर्मियों के लिए दी बेस्ट रहने वाला है, ठीक है. अगर आपको ये क्रीम फाउंडेशन और ये जो है वो लिक्विड फाउंडेशन अगर आपको नहीं पसंद है, ये बेसिस नहीं पसंद है, आपको स्टिक फाउंडेशन पसंद है, तो ये आप स्टिक फाउंडेशन में जिसकी हालत थोड़ी सी फस्ता हो रही है सो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. तो आप ये ग्लैमरस फेस के स्टिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेरा जो है वो शेड है GF 38. ओके, सो मैं आपको करेक्टर के बारे में भी बता दूँ, कंसीलर के बारे में भी बता दूँ. सो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का, ये जो मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं अंडर आई एरिया में, जो या हाइपर पिगमेंटेशन या कोई भी जो है वो हमारी इवन टोन नहीं होती, स्किन डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, माउथ के इर्द गिर्द एरिया डार्क होता है, सो उसके लिए आप ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं. ब्लैक कलर को हाइड करने के लिए आप ऑरेंज कलर जो है वो यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो बेस अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो आपका बेस बिल्कुल ज़बरदस्त बनता है. अच्छा, ये क्या है गाइस? ये क्रायलोन की ओरिएंटल स्टिक का क्वार्टर पीस है, ठीक है. आप अगर चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्वार्टर पीस ही इतना हो जाता है कि आपको मेरा नहीं ख्याल से पूरा लेने की जरूरत है. ये क्वार्टर पीस आपको ईजिली 400 to 500 का मिल जाएगा क्वार्टर पीस, ठीक है. ये इससे कम में ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है. ओरिएंटल क्रायलोन का क्वार्टर पीस, ठीक है. तो ये आप इसे करेक्टर यूज़ कर सकते हैं. देन अगर हम कंसीलर की बात करें तो ये मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर दी बेस्ट है. अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1000 रुपये से भी ज़्यादा, तो गाइस ऐसा नहीं है. मैंने Draz.PK से मंगवाया और ये मैंने नॉर्मल मार्केट से खरीदा है, ठीक है. ये दोनों अलग अलग शेड हैं, ये वाला जो है वो थोड़ा डार्क शेड है जबकि ये वाला थोड़ा सा लाइट शेड है. तो ये मैंने 420 का लिया था, जबकि Draz.PK से मैंने 400 का मंगवाया था. इसका शेड नंबर है 110 और ये मुझे 400 का पड़ा है और बहुत अच्छा कंसीलर है, कोई मज़े का जो है ये कंसीलर, लगाने पर बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है आपके अंडर आई एरिया को, ठीक है. सो ये बहुत ज़बरदस्त, इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है. ये ओरिजिनल नहीं है, ये बाकी ओरिजिनल वाला जो कंसीलर है वो महंगा है, लेकिन आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है. अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप रोमांटिक ब्यूटी की 15 कलर व्हाइटनिंग हाइड्रेटिंग कंसीलर स्टूडियो पैलेट, ये भी जो है वो आप ले सकते हैं. फुल रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप अपनी तसल्ली के लिए वहाँ देख सकते हैं. तो इस टाइप की प्लास्टिक की इसकी पैकेजिंग है. सबसे ज़्यादा कंसीलर मैं अपना आई मेकअप लुक जो मैं अचीव करती हूँ, क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ, उसमें भी मैं यही यूज़ करती हूँ. सो ये लाइट टू मीडियम हर कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए जो है ये पैलेट बेस्ट रहने वाला है, आप देख सकते हैं. काफ़ी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है. मेरे कलर से जो मैच करते हैं वो ये वाले हैं जो ज़्यादातर आपको यूज़ हुए हुए दिख रहे हैं, चूँकि मेरे कलर से मैच नहीं करते इसलिए बिल्कुल आपको जो है वो नए दिख रहे होंगे, ठीक है. 500 है, कोई इतनी महंगी नहीं है. तो 500 में आपको ये 15 शेड्स मिल रहे हैं, तो गर्ल्स और क्या चाहिए यार हमें, ठीक है. सो कंसीलर की बात हो गई, देन हम आते हैं फिक्सर पर. सो गाइस फिक्सर के लिए मेरे पास यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट पाउडर है और एक लूज पाउडर है. यहाँ पे मेरे पास ऑयल फ्री लूज फेस पाउडर है जो कि है क्रिस्टीन का विद प्रोफेशनल पफ, ठीक है. सो इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है,
ठीक है, इसका शेड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और मेरा नंबर है नेचुरल 318। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से है, पफ के साथ आता है। सो आप इसको इस तरीके से जो है वो ढक्कन में निकालेंगे, फिर जो है वो इसके पफ के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जर्मनी कॉम्पैक्ट पाउडर 2 वेक 1 नेचुरल वाइट ब्यूटी ऑयल कंट्रोल पाउडर केक SPF 35। ठीक है, इसमें भी SPF आपको मिलेगा और ये कुछ इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसमें नेचुरल वाइट ब्यूटी, इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी जो है वो मेंशन हुई हुई है। यकीन जाने इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है और आप इसको देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। इसके 4 से 5 से ज़्यादा ही जो बॉक्सेस हैं ना, वो मैं ख़त्म करके फेंक चुकी हूँ। ठीक है, इसके साथ आता है एक ज़बरदस्त पफ और ये एक दत मिरर आता है और ये कुछ इस टाइप का होता है। और गाइस यकीन जाने ये आपके बेस को ज़बरदस्त करके जो है ना वो मैट कर देता है। आप यहाँ पे इसका जो है वो डेमो देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल इसने जो है वो मैट कर दिया है। ठीक है, ये मैट फिनिश आपको रहता है, फुल कवरेज देता है। अगर आप इसको एज अ पैनकेक यूज़ करना चाहते हैं तो इसका स्पंज गीला करके आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो बस इसको ब्रश की मदद से आप करेंगे तो आपको मीडियम कवरेज देगा, जबकि स्पंज की मदद से आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको फुल कवरेज देगा। मैं इसकी स्पंज की मदद से इसको सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पर जो है वो यूज़ करती हूँ फुल कवरेज के लिए। ठीक है, और इस बाकी जो है वो ब्रश की मदद से फुल फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस कॉम्पैक्ट पाउडर का और इस फेसिक के फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये वाला जो है वो करेक्टर यूज़ करती हूँ, ऑरेंज वाला, ये जो मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है, उसके बाद ये फाउंडेशन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, कंसीलर या मेबलिन का या किट कोई से भी मैं यूज़ करने के बाद जो है फेस को सेट करने के लिए मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, तो मुझे इतना ज़बरदस्त बेस मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें से मैं आपको ये वंडर स्टिक भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो है आप उसको कंटोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपने जो है वो हाईलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जस्ट 150 की है और बहुत अच्छी है। ठीक है, सो ये आपका कंटोर का जो शेड है आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल नेचुरल कंटोरिंग देगा ये आपको। और इसका हाईलाइटिंग का जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपके एरिया को अच्छे से हाईलाइट भी कर देगा, जब आप बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जैसे कि निशु खान करती हैं अपना बेस पूरा अप्लाई करने के बाद, तो उस टाइप का। ठीक है, सो आप इसकी हाईलाइट भी देख सकते हैं और इसका कंटोरिंग भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। सो गाइस, आईज़ के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है पैलेट, आई शेडो पैलेट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास फेस इट की है, आप चाहें तो ग्लैमरस फेस की भी ले सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है, ये पूरी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, ग्लैमरस फेस वर्सेस फेस इट आई शेडो पैलेट। ठीक है, आप वो जो है वो देख सकते हैं। ये अंदर से है कुछ इस तरीके से, इसमें आपको मिलेंगे 48 मैट शेड्स जबकि 48 मिलेंगे आपको शिमरी शेड्स। इसमें गाइस कर्ल्स हर 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 कलर मौजूद है, ट्रांजिशन शेड मौजूद हैं, पर्पल, ग्रीन, वाइट, पिंक, ब्लैक, हर शेड जो वो इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप ये शेड ये पैलेट खरीद लेते हैं तो कोई दूसरी पैलेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपको मैट शेड्स भी मिल जाएंगे अगर आप मैट आई लुक चाहते हैं, शिमरी भी मिल जाएंगे अगर आप ग्लिटरी चंकी और शिमरी सा जो है वो लुक चाहते हैं। पिगमेंटेशन जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत जो है वो मज़े की है। दो शेड्स की पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये वाला है मैट और ये वाला है शिमरी, और दोनों की ही पिगमेंटेशन जो है वो ज़बरदस्त है। ओके, सो ये हो गए हमारे पास पाउडर आई शेडोज। और अगर आप चाहते हैं लिक्विड आई शेडोज लेना तो आप ये हैंग पेन के जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। ये अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 कलर के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये ईच जो है ये 100 रुपीज़ का है और ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये है वन ऑफ नॉबल लिक्विड 24H इल्यूमिनेटर। ठीक है, सो ये है कुछ इस तरीके से, इसका स्वॉच आप देख सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगी अंडर 1500। ये मैंने 1250 की पैलेट ली थी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरे पास हैंग फेंग के लिक्विड लाइनर्स मौजूद हैं जिनमें एक ग्रीन है और एक ऑरेंज, आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा, 100 से 150 तक का जो है ये आपको मिलेगा, और ये बहुत खूबसूरत रहता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, सो ये हो गए हैंग फेंग के ग्लिटर लाइनर्स। और अगर आप ये वाले लाइनर्स नहीं लेना चाहते हैं तो ये आप ग्लैमरस फेस का भी ये वाला लाइनर जो है वो ले सकते हैं, और ये इंतहाई ज़बरदस्त लाइनर है। ये हमारा जो है वो मार्कर लाइनर। ठीक है, लिक्विड लाइनर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ये दी बेस्ट रहता है यूज़ करने के लिए भी और बिल्कुल अफोर्डेबल है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये वो वाटर प्रूफ है, जेट ब्लैक कलर में है, ईजी टू यूज़ है और अफोर्डेबल भी है। ठीक है, सो ये हो गया लाइनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कारा की, तो मस्कारा के लिए यहाँ पास मेरे पास हैंग फेंग का मस्कारा और देन एपीके का मस्कारा है जिसमें वाटर प्रूफ लिखा है, लेकिन ये वाटर प्रूफ नहीं है और ये दोनों मस्कारा ही वाटर प्रूफ नहीं है, जबकि ये दोनों बोल रहे हैं कि ये वाटर प्रूफ है। और अच्छी बात है कि वाटर प्रूफ नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ मस्कारा जो है वो आपकी लैशेस को लेकर ही निकलते हैं, लेकिन आप फिर भी अगर वाटर, और दोनों रीजनेबल है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का है और ये 200 या 250 का है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी वाटर प्रूफ चाहते हैं तो आप ये यौन कीना का वॉल्यूम मस्कारा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड लाइनर भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो मैं इसी का ही रिकमेंड करूँगी, यौन कीना का वॉल्यूम 1 सेकंड लिक्विड लाइनर। ठीक है, लाइनर और मस्काराज के लिए जो है वो मैं आपको ये जो है रिकमेंड करूँगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बगैर आधी से ज़्यादा लड़कियों का जो है वो मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है, वो है काजल। सो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेबलिन का क्लोसल काजल। ठीक है, जिसको इस तरीके से आप रोल करेंगे तो ये निकल आएगी, और ये कुछ इस तरीके का जो है वो जेट ब्लैक लाइनर है और ये वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये आपको पांडा जैसी आई आपकी नहीं करेगा, बिल्कुल जो है वो आपको आपकी वाटर लाइन पर टिके रहेगा। अगर आप व्हाइट पेंसिल चाह रही हैं तो ये इस पर से निमट तो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूँ, और ये मैंने लगा लगा के इसका जो है वो ये हल किया है, बिल्कुल ज़बरदस्त करके जो है ये व्हाइट पेंसिल है और ये ग्लैमरस फेस की व्हाइट पेंसिल है। ठीक है, हम बात करते हैं लैशेज़ की, तो गाइस मैं आपको यहाँ पर ये आर्टमेटिक USA की ये वाली लैशेज़
जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मुझे पर्सनली यही लैशेस पसंद हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, लाइट वेट हैं, ईजी टू अप्लाई हैं और बहुत जो है वो अच्छी ये लैशेस हैं आर्टमेटिक की। और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो खूबसूरत हैं, बिल्कुल फेक नहीं लगती हैं आपकी आइज़ पर कि आपने कुछ अपने लैशेस के साथ मर्ज करके लगाए हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ फॉल्सेस वगैरह यूज़ क्यों नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब लैशेस किस तरह अप्लाई करते हैं इस पर भी मैं वीडियो जो है वो बनाऊंगी। ठीक है, अब आती है बात आईलैश ग्लू की, तो वाइज दी बेस्ट ग्लू जो मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैंने कभी कोई ग्लू यूज़ नहीं किया है, और यह है ग्लैमरस फेस का एडहेसिव। ठीक है, आईलैश ग्लू जो है एडहेसिव जो है मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ करती हूँ, दी बेस्ट है। अच्छा, ये इसकी बात करें तो ये जस्ट 50 रुपीज़ की है और ये भी जो है वो 100-150 का इजीली जो है वो मिल जाता है। तो गाइस आईलैश कर्लर के लिए जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बॉक्स, ये जस्ट 120 का बॉक्स है और इसके अंदर आपको मिलेगा आईलैश कर्लर, आपको मिलेगी सीजर, आपको मिलेंगे 2-3 ब्रशेज, आपको मिलेगा ट्यूजर और नेल फाइनर, और ये सारी चीज़ें अगर आपको 120 में आईलैश कर्लर मिल रही है तो गाइस इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, सो ये है ब्यूटी टूल्स मैनिक्योर सेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आईज हो गई कंप्लीट, अब हम बात कर लेते हैं ब्लशन की। सो यहाँ पे जो है वो मेरे पास ब्राउन कलर में पार्टी क्वीन का ब्लशन है जो कि जो है वो 300 तक आ जाएगा, उसका नंबर है शेड नंबर 3, और ये जो लोकल नहीं मिलते ये 150 से 200 तक का। तो यहाँ पे मेरे पास बीबी कॉस्मेटिक्स का, यार ये मेरा मोस्ट फेवरेट है कि टूटने के बाद भी मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है। वैसे बस कलर देखें, इतना ज़्यादा ये रिफ्रेशिंग लुक देता है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, मेरा मोस्ट फेवरेट है। कितने सारे ब्लशन हैं उसके बावजूद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये देख सकते हो कितना पीछे पिंकी सा प्यारा सा, और उसके बीच बीच में जो है ना वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा भी शेड है। आप ये देखें इतना खूबसूरत लगता है ये एप्पल चिक्स एप्पल पर लगाने पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ये दोनों नहीं लेना चाहते तो एक इंस्टाग्राम पेज है cheapest.store, वहाँ से ये मैंने जो है वो ब्लशन पैलेट ऑर्डर की थी, ये जस्ट 300 में मैंने बाई की थी। सो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लशन पैलेट है और इसमें 9 डिफरेंट शेड्स हैं, मतलब ब्राउन, पिंक, डार्क पिंक, हर कलर जो है आपको इसमें ईजिली मिल जाएगा, ये जस्ट 300 में आपको 9 ब्लशेस मिल जाएंगे, तो है ना मोस्ट अफोर्डेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटोरिंग की, तो ये क्रीम कंटोर तो ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये इंचार्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर, इस पर लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा ग्लिटरी चंकी सा है और इस ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो खूबसूरत लग रहा है, थोड़े से इसके अंदर जो है वो चंक्स मंक्स भी हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा जस्ट 200 में जो है आपको पूरा कंप्लीट ये इतना बड़ा मिल जाएगा, और आपको इसके अंदर मिलेगा 38 ग्रैनर्स। तो गाइस मेरे पास टेराकोटा का हाइलाइटर है और जस्ट ये आपको 150 का ईच मिल जाएगा, जिसपे आपको नेट वेट इसका है 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम इसका नेट वेट है, उसमें एक्सपायरी वगैरह सब कुछ है, और ये 7 कूल का टेराकोटा हाइलाइटर है जिसमें से 2 शेड्स हैं मेरे पास, एक शेड नंबर है 06 और शेड नंबर है 03। और इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉप और खूबसूरत लुक चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं किस ब्यूटी का परफेक्ट हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, और इसका है शेड नंबर 3 और बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको जो है वो इसका स्वाच भी दिखा देती हूँ, चेक करवा देती हूँ। इसके अलावा अगर आप हाइलाइटर पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो मेरा पाउडर हाइलाइटर वाली वीडियो है, आप वो जो है वो देख सकते हैं। बहुत ही इन तीनों से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मैंने पाउडर हाइलाइटर बनाया है, आप जाकर मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, DIY पाउडर हाइलाइटर। सो आप घर में वो खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और लगाने में बहुत खूबसूरत लगता है। सो ब्राइड्स आपके लिए मैं लाई हूँ ये 4 लिपस्टिक्स, जिसमें से ये 2 लिपस्टिक्स जो है वो जेनी की हैं और जिसका शेड नंबर है 99 शेड जो है वो इस टाइप का है, और ये है 27 शेड जो है ये मैट है और ब्लड रेड कलर है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये जो है इस टाइप का है, ये जेनी की लिपस्टिक्स हैं और ये इस तरीके का है, और ये मेरी अपनी शादी की 2 लिपस्टिक्स हैं यादगार, ये मेरी अपनी शादी के लिपस्टिक हैं गर्ल्स। ठीक है, देन जो है ये मैंने अपने वलीमे में जो है वो अप्लाई की थी, और ये है क्रिस्टीन की, और ये कुछ और ये कलर जो है वो लगाने पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है लास्ट, और ये इसका जो शेड नंबर है वो है 184 बलूशी की जो है वो लिपस्टिक है, प्लम पर्पल कलर की कुछ इस टाइप की है और बहुत जो है वो खूबसूरत लगती है लगाने पर। रायन लिपस्टिक्स अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये रेगुलर बेसिस। सो गर्ल्स ये लगाने पे जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो है वो मैबलिन का है और इसका शेड नंबर 24। नेक्स्ट है मॉर्फी का और इसका शेड नंबर है 18। सो ये भी जो है वो आप ले सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये कलर्स। ठीक है, अच्छा ये आपको 100-150 की मिल जाएगी और ईच, ठीक है, और ये ईच लिपस्टिक आपको 200 तक मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही प्यारी है। लिपस्टिक नहीं पसंद, आप लिप पेंसिल्स खरीदना चाहते हैं तो आप ट्रू लिप्स पेंसिल्स खरीद सकते हैं, ये पूरी 12 है कंप्लीट मेरे पास, इसकी पिक भी मैं आपको दे दूंगी, और ये जस्ट 300 की है, इंस्टाग्राम पेज से मैंने बाई की थी, 12 कंप्लीट पेंसिल्स जो है वो 300 का, इसमें ऑरेंजिश, न्यूडिश, पिंकिश, रेडिश हर कलर आपको मिल जाएगा, 12 कलर्स। ठीक है, सो आप ये पेंसिल्स जो है वो बाई कर सकते हैं, ये है वो कंप्लीट 12 पेंसिल, इनके और इन ग्लोसेस के स्वॉचेस और प्राइसेस वगैरह फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको ग्लोसेस पसंद है तो ये ग्लोसेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। चीज़ जो है वो रह गई है वो यहाँ पे है मेरे पास आईब्रो पेंसिल के लिए, किस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, आप चाहें तो जूश का पोमेट वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली गर्ल्स मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हाँ आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन हैं तो आप जो है वो पोमेट ही यूज़ करें, लेकिन आपकी आइज़ अगर बुशी हैं, सॉरी आइज़ नहीं आईब्रोज बुशी हैं, तो आप पेंसिल यूज़ करें, आप देख सकते हैं यूज़ करके जो है उसका हाल कुछ ये हुआ हुआ है, और इसका कलर जो है वो कुछ इस तरीके से है, ब्राउन कलर, चॉकलेटी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, बहुत खूबसूरत लगती है। अपनी जो आई मेकअप लुक करती हूँ उसमें मैं यही जो है वो हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, हत्या कि आप देखने वाले भी शायद बोर हो गए हों। ठीक है, आप पोमेट देख सकते हैं, पोमेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सो आप इस पेंसिल पर गुजारा करें। ठीक है, बाकी अगर आप पोमेट चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर मैं अंतरी
कराऊंगी वीडियो। देन अगर आपको नेल पेंट्स पसंद हैं तो ये मेरे पास कुछ जैनी की हैं, कुछ मेडोरा की हैं, कुछ पार्टी क्वीन की हैं, और इस चुन्नू पे लिखा हुआ नहीं है नाम, चुन्नी पे ये रेड वाली पे, तो ये कुछ नेल पेंट्स हैं। अगर आपको चाहें तो नेल पेंट्स भी ले सकते हैं। इसमें ये मेरे पास 50 रुपी 80 की मुझे बोली थी पार्टी क्वीन की, मैंने 50 रुपी की ली है। ये वाली जैनी की थोड़ी महंगी है, 200 की आई थिंक मैंने ली थी। ये वाली भी थोड़ी महंगी है, छोटी सी है रेड कलर की, ये भी आई थिंक 150-200 की स्ट्राइप की ली थी। बाकी ये पील ऑफ है पिंक वाली, ये मेडोरा की नेल पॉलिश है। तो आप कुछ नेल पेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट सेटिंग स्प्रे, और उसकी पैकिंग देख के मुझे जो है वो प्रो एले प्रो गर्ल की जो है वो पैकेजिंग याद आती है। ठीक है, सो ये किस ब्यूटी का प्रो सेटिंग है, हाई डेफिनेशन नेटवर्क 50 ml, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, और गाइस ये इसका साथी है। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके का है, ये प्राइमर है और ये सेटिंग स्प्रे है, और इनका है रीजनेबल। इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो प्राइमर और सेटिंग स्प्रे के लिए जो है वो आप ले सकते हैं ये। सो गाइज़ ये थी वो सारी चीज़ें मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी 5000 के अंदर आ जाएंगी। सारी वीडियो जो है वो मैंने जल्दी जल्दी स्पीड में भगाई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई थी। इस वजह से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़। अगर आपको कोई भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। एंड लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा गाइज़। अल्लाह हाफिज़।